हाय एवरीवन वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमारा जो स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन आ रहा है स्टूडेंट्स को तो मैं अभी इस एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट हाँ आपको बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए से इट विल हेल्प यू टू चूज़ योर कंप्यूटर साइंस ब्रांच विथ स्पेशलाइजेशन काफ़ी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत पुराने वीडियो में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या स्पेशलाइजेशन है वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो मेन मेन स्पेशलाइजेशन है वो सभी का डाउट आपका क्लियर हो पाए स्क्रीन पे लेके चलता हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन यहां पे सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहूंगा ये स्पेशलाइजेशन क्यों आया द स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था आप लोग कॉलेज गए और रेगुलर नॉर्मल चीज़ें पढ़े एग्जाम दिए और आ गए बट आज के डेट में क्या होता है जो आप पढ़ के निकलते हो कॉलेज से और इंडस्ट्री में जो एक्चुअल काम होता है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट तो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए वॉट एवर यू आर रीडिंग एंड वॉट इज़ यूज इन द इंडस्ट्री एक प्रॉपर बैलेंस के लिए ही ये आजकल स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें जो मेन मेन स्पेशलाइजेशन होगा और जो आपको चूज़ करना चाहिए इसके अलावा और भी स्पेशलाइजेशन मिलेंगे दैट आई नो बट मैं आपको इसीलिए बताऊंगा क्योंकि दीज आर द स्पेशलाइजेशन जो कि मोस्टली यूज होते हैं इंडस्ट्री में और इस बेसिस में आप उसका सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो उसका स्टडी सिलेबस भी आप पता कर सकते हो लेट मी टेल यू अबाउट द फर्स्ट स्पेशलाइजेशन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है मैं अगर आपको बताऊं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट

ऑफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, जिसके जरिए से जो कंप्यूटर होता है, आपका इंस्ट्रक्शन समझता है और समझ के डिसीजंस लेता है, विच आर सिस्टम्स दैट कैन रीजन, लर्न एंड एक्ट ऑटोनोमसली, मतलब वो खुद अपना काम कर पाएगा बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे। Artificial intelligence is a rapidly growing field with application in a wide range of industries, including healthcare, finance, transportation. जितनी भी चीजें हैं ना, वो सभी में आपको artificial intelligence का use case देखने को मिल रहा होगा. Healthcare में काफी ज़्यादा हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंस के इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग ए आई हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं आजकल ये चीज भी पॉसिबल है आप लोग भी कर सकते हो धीरे धीरे बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डोमेन बहुत इंटरेस्टिंग है और आने वाले टाइम पे इट इज गोइंग टू बूम यार अभी तो इतना बूम हो चुका है आगे और भी बूम होगा ठीक है चलो ये चीज हो गया नाउ लेटेस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड डोमेन ोस्ट रिलेटेड टू योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी दैट इज मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग तो मशीन लर्निंग में होता क्या है बेसिकली इन मशीन लर्निंग लेट मी टेल यू द्रांच मशीन लर्निंग इज ए सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है मतलब अगर आप पूरे चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानते हो दिस इज ए आई उसमें एक पार्ट आएगा मशीन लर्निंग ठीक है एम एल एन एल पी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी उसी के अंडर आता है सो मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ अल्गोरिदम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बिंग एक्सप्लीसिटली प्रोग्रामड मशीन लर्निंग में क्या होता है जनरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा दिया जाता है मैंने अपने कॉलेज टाइम में मशीन लर्निंग पढ़ा था नो no डाउट मेरा स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग नहीं था बट वहाँ पे एक सब्जेक्ट था मशीन लर्निंग और उसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था मतलब प्रैक्टिकल में मुझे लैब्स जाना पड़ता था और लैब में मुझे कुछ कोड करना पड़ता था यूजिंग पाइथन तो पाइथन में मैंने मशीन लर्निंग किया है डेटा साइंस भी आता है उसके बाद बताऊँगा मशीन लर्निंग में यू यूज डिफरेंट ऑलगोरिदम्स आप डेवलप करते हो ऑलगोरिदम आप एग्जिस्टिंग ऑलगोरिदम को यूज करते हो ये सारे ऑल्गोरिदम यूज करके क्या होता है हम मशीन को ट्रेन करते हैं मशीन सीखता है दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग राइट बहुत ज्यादा डेटा जब हो जाता है ना उसको प्रोसेस करने में डिफिकल्टीज होती है उसको समझने में और डिफिकल्टी होती है तो वही प्रोसेस को सिंपलीफाई करने के लिए ह्यूमन uh, एफर्ट्स को कम करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है इसके आगे और मैं बताऊं तो मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग स्पैम फिल्टरिंग मतलब मशीन को आप बता दोगे कि ऐसे ऐसे ईमेल्स अगर आएंगे या डेटा आएगा तो ये स्पैम रहेंगे तो वो स्पैम को डिटेक्ट कर लेगा और फ़िल्टर कर लेगा फ्रॉड डिटेक्शन आप बता दोगे कि ऐसे ऐसे तरीके से फ्रॉड होता है तो फिर अगले बार कोई नया फ्रॉड होगा वो डिटेक्ट कर लेगा मशीन ट्रेन होता है यहाँ पे अगर डिटेल में कभी बताऊँ कि एग्जैक्टली exactly पूरा डिटेल वीडियो मशीन लर्निंग पे तो हंड्रेड परसेंट अगर आपका डेटा सेट रहेगा उसमें से आप यूज़ करोगे सेवेंटी परसेंट को ट्रेन करने के लिए और थर्टी परसेंट को यूज़ करोगे टेस्टिंग के लिए आप ये रेशियो चेंज भी कर सकते हो एटी परसेंट ट्रेन करने के लिए ट्वेंटी परसेंट टेस्ट करने के लिए चेंज कर कर करके ऑल्गोरिदम को टेस्ट करोगे और ट्रेन करोगे करते करते वो बहुत स्मार्ट हो जाएगा और इमेज रिकॉग्निशन जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो कि मेरा रूममेट मेरा बहुत अच्छा दोस्त उसने बनाया था मशीन लर्निंग का ही एप्लीकेशन है आप जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हो या फिर खुद कार ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते टाइम क्या होता है ना काफ़ी लोगों को नींद आता है और नींद आते आते वो आँख थोड़ा सा बंद हो जाता है तो वैसे किस में ड्राइव करना इज़ वेरी रिस्की एक्सीडेंट हो सकता है तो वो जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि वो आंखों के इमेजेस लेता रहेगा कंटिन्यूस और मशीन ट्रेन होगा तो अगर आपको नींद आ रहा है ना तो नींद वाली आंखें जो होंगी वो अगर क्लोज हो रही होंगी तो वो अलार्म क्लिक हो जाएगा मतलब अलार्म ट्रिगर हो जाएगा और गाड़ी आपको अलर्ट दे देगा कि आपको नींद आ रहा है इधर आप गाड़ी मत चलाओ किसी और को चलाने दो या गाड़ी को रोक लो थोड़े टाइम के लिए आप रेस्ट ले लो चेहरा वगैरह धो लो नींद चला जाए तो फिर वापस आप ड्राइव करना शुरू करो कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सीडेंट से है, हम बच पाएंगे और साथ में जो जाने जाती हैं लाइफ्स हम जान बचा पाएंगे यूजिंग मशीन लर्निंग कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है अगर इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके माइंड में क्या क्रिएटिव आइडिया है वो लिखो तो मशीन लर्निंग के रिलेटेड और क्या आइडिया आप सोच सकते हो मैंने खुद कोविड रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया था जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हो रहे थे नंबर ऑफ रिकवरी हो रहे थे आई वॉज़ प्रेडिक्टिंग कि और कितने रिकवरी हो जाएंगे अगले एक हफ्ते में बेस्ड ऑन द वैक्सीनेशन एंड ऑल और हर रोज कितने पेशेंट पेशेंट्स आ रहे हैं वो सभी 2022 में मैंने बनाया था 2021-22 उसी के आसपास मैंने बनाया था अब अगर मैं आगे बताऊँ मशीन लर्निंग के बारे में मैंने इतना बता दिया लेट मी मूव अहेड और आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट डोमेन इज डेटा साइंस बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है सो थर्ड वन इज डेटा साइंस तो डेटा साइंस में क्या होता है डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द कलेक्शन एनालिस एंड इंटरप्रिप्रिटेशन ऑफ डेटा आप डेटा साइंस में क्या करते हो यह डेटा साइंस का प्रोजेक्ट था और फिर मशीन लर्निंग यूज करके मॉडल को ट्रेन किया गया था मेरा जो प्रोजेक्ट था और जो इमेज रिकॉग्नेशन का भी बोल रहा हूँ ये सारे रिलेटेड है अगर आपको लेना है ना कोई भी एक ले लो आप दूसरा चीज सीख ही जाओगे बट अगर कुछ अलग लेते हो कुछ और डोमेन लेते हो तो फिर थोड़ा सा रिलेशन नहीं बैठेगा सभी चीज में समझ पा रहे हो आई गेस तो मैं बात कर रहा था डेटा साइंस के बारे में यहाँ पे क्या होता है डेटा को कलेक्ट किया जाता है डेटा को अभी तो मैं चल रहा है अभी अगर आप देखो यहाँ पे पीछे चल रहा है ना लैपटॉप ऑफिस का काम चल रहा है यहाँ पे मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ बिग डेटा में काम करता हूँ बहुत सारा डेटा होता है और डेटा को हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रिट करते हैं कि ये डेटा का क्या मतलब है फिर उसको बाद में ट्रेन करते हैं एंड ऑल वो अलग बात है बट डेटा साइंस में आपको समझा रहा हूँ आई होप ये डेटा साइंस समझ आ गया आपको इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट यूज़ ए वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइड्स फ्राम डेटा विच कैन बी यूज टू मेक बेटर डिसीजन बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं और ये टूल्स को यूज़ करके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है इंटरप्रेट करते हैं कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा ये कम हुआ तो क्या होगा ये उसके बराबर हुआ तो क्या होगा ये सब हम पता करते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस डिटेल में करेंगे तो एक वेबिनार भी हो सकता है यार लंबा लंबा क्लासेस हम लोग ले सकते हैं इस बेसिस पे चलिए डेटा साइंस की बात कर रहे थे तो अगला बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये भी एक स्पेशलाइजेशन आजकल आ रहा है सी एस सी विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा आप सभी के लिए बट फिर भी अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से और जहाँ पे आप साइकिल समझते हो यूजर डिज़ाइन समझते हो डेवलपमेंट समझते हो मेंटेनेंस समझते हो ये मतलब डिफरेंट फेजेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको मतलब डिटेल में स्टडी करने के लिए भी एक सब्जेक्ट आ चुका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये मैंने आपको बता दिया डेटा जो है कितना एफिशियंट है कितना रिलायंट है और कितना यूज़र फ्रेंडली है ये सब के बारे में स्टडी होता है तो इसका स्पेशलाइजेशन आप ना भी लो मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूं अवॉइड भी करो तो चलेगा नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैं फिफ्थ यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन दिस इज साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस सिक्योरिटी मतलब कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो ये सब चीज कैसे हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ दी सिस्टम्स बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं टूल्स होते हैं ये सब यूज करके आप प्रोटेक्ट कर पाओगे और क्या होगा यहाँ पे जो डेटा डिस्क्लोज हो जाता है लीक हो जाता है ये सब से आप बचा पाओगे डिस्ट्रक्शन से आप बता बचा पाओगे ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाएगा नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज ए वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम साइबर अटैक्स बहुत सारे अटैक्स होते हैं यार जैसे मैंने खुद मैं जब खुद सीख रहा था देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मतलब मैंने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा सीखा होगा सो so, एक मैंने सेमिनार अटेंड किया नॉट ओनली सेमिनार वो एक ट्रेनिंग था तीन चार दिनों का ट्रेनिंग था जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे टूल्स होते हैं वो टूल्स को यूज़ करके हमने पता किया कि आ, कैसे हम किसी और के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं फिर खुद के आ, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आ, कोई और हमारे सिस्टम में आके कुछ और कर रहा है अगर तो वो भी पता कर सकते हैं ये सब होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर और ब्रूट फोर्स अटैक होता है फिर पासवर्ड निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ तो <laughs> फिसिंग मेथड होता है तो ये सारे मेथड्स यूज करके जो साइबर अटैक्स होते हैं आ, हैकर्स होते हैं हैकर तीन तरह के होते हैं मैं सोच रहा था एथिकल हैकिंग के ऊपर एक वेबिनार लूँ एक बार लिया था बट यूट्यूब का रूल्स होता है वहाँ पे आप उतना बता नहीं सकते मैंने लिया था फिर डर लगा तो मैंने वीडियो को डिलीट करके टेलीग्राम पे दिया प्राइवेट करके वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ सेमिनार लूँ आप लोगों को सिखाऊँ तीन तरह के हैकर होते हैं ब्लैक हेट हैकर वाइट हेट हैकर ग्रे हेड हैकर तो कौन लीगल है कौन इलीगल है किसका क्या रोल होता है फिर कैसे प्रैंक करते हैं कैसे सच में हैकिंग करते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जर्नी रहा वो सभी मैं आपको बता सकूंगा उसमें चाहते हो तो कमेंट में बताना जो भी चीज़ के बारे में डिटेल में और वीडियो चाहते हो मेरा एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो बताना मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है बट आज के सेशन में मैं बता रहा था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर रहे हो और स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डेटा साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी ये पांचों में से अगर आप सिलेक्ट करोगे इट विल बी गुड बट इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट करते हो तो कीप इन माइंड कि उसका डिमांड अच्छा रहे जॉब में भी आपको बेनिफिट मिले एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए मिल रहे होंगे अगले वीडियो में तब तक कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच